hello students how are you i hope all you are doing well okay students now it's your sst class and today we will read class 7 textbook our environment okay class 7th and chapter students chapter second we have to read today all right so get ready inside our earth okay so we will start from here and it's a first video of second chapter all right students it's a first video okay so let's start Inside our अर्थ Inside मीन्स स्टूडेंट्स अंदर इन means मीन्स अंदर आवर अर्थ हमारी पृथ्वी इन our earth अर्थ हमारी पृथ्वी के अंदर ठीक है अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ओके उन सब का परिचय आपको ये चैप्टर कराएगा सो so, ओके okay. Now, start. The earth, our homeland, is a dynamic planet. Okay. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? Very interesting students. Now, here are so many questions. Okay. So, start. The earth. Earth means prithvi. Our homeland. Hamara ghar hai. Okay. Homeland. Means, हमारा घर है इट इज अ डायनमिक प्लानिट डायमिक स्टूडेंट फुल ऑफ एनर्जी एंड आइडिया प्रकार की ऊर्जा तथा नाना प्रकार के विचारों से पूर्ण ओके okay? हम उसे कह सकते हैं मोशनफुल ओके मीन्स की गतिशील डायनमिक गतिशील राइट फुल ऑफ एनर्जी एंड मोशन सो द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनमिक प्लानिट हमारी पृथ्वी हमारा एक गतिशील ग्रह है ओके okay? हमारी पृथ्वी क्या है हमारा एक गतिशील ग्रह जहाँ पर हम रहते हैं इट इज कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस इन साइड एंड आउटसाइड ओके कॉन्स्टेंटली मीन्स निरंतर और राइट अंडर गोइंग चेंजेस होने वाला परिवर्तन होता रहता है इनसाइड अंदर की ओर एंड आउटसाइड बाहर की ओर तो हमारी पृथ्वी जो कि एक गतिशील ग्रह है उसमें अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है हैव यू एवर वंड वट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ वट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ हैव यू एवर wondered क्या आपने कभी सोचा है What लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इंटीरियर means अंदर ओके okay? कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं क्या कभी आपने सोचा है डेफिनेटली यू थाट स्टूडेंट्स यू एवर थाट आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं ओके सो वर्ट इज द अर्थ अप ऑफ और दूसरा कि पृथ्वी किन पदार्थों से मिलकर बनी है तो अभी आपके पास सारे आंसर्स इस चैप्टर रीडिंग के बाद होंगे और राइट सो इंटीरियर ऑफ द अर्थ अब हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग किस चीज़ के बने होते हैं और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हमें मिलती है सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट टू नो इंटीरियर ऑफ द अर्थ ओके पृथ्वी का आंतरिक भाग इंटीरियर ऑफ द अर्थ पृथ्वी का आंतरिक भाग जस्ट लाइक एन ऑनियन द अर्थ इज अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर विद वन इनसाइड अनदर ओके फिगर टू पॉइंट वन एज यू कैन सी राइट तो देखिए जस्ट लाइक एन ऑनियन जैसे कि प्याज होता है हैव यू ऑनियन येस ऑफकोर्स सो सो मैनी लेयर इन साइड द ऑनियन होती है ना बहुत सारी लेयर्स जब आप प्याज काटते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा कितनी सारी लेयर से मिलकर प्याज बनता है ना तो जैसे प्याज होता है एक प्याज की तरह भी हमारी जो पृथ्वी है द अर्थ इज़ मेड ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स ठीक है तो हमारी जो पृथ्वी है वो एक प्याज की तरह अनेकों कंसेंट्रिक मीन्स सकेंद्रीय ओके अनेकों सकेंद्रीय परतों से मिलकर बनी है All right, hmm. जैसे कि आप 2.1 में देख सकते हैं देखिए कितनी सारी चीजें पृथ्वी के आंतरिक भागों में कितनी कॉन्सेंट्रेट लेयर्स इसके अंदर हैं। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड द क्रस्ट ओके अब देखिए हम क्रस्ट किसे कहते हैं जो हमारी पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होती है ये बहुत ही कठोर होती, होती है हार्ड होती है ठीक है तो इसे क्या बोला जाता है क्रस्ट या परपट्टी बोला जाता है ओके इन इंग्लिश क्रस्ट स्टैंड अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड द क्रस्ट तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को या सबसे ऊपरी सतह को परपट्टी या क्रस्ट कहा जाता है इट इज दिनेस्ट ऑफ ऑल द यह सबसे, यह, आ, यह, सबसे okay? यह सबसे पतली परत होती है जितनी भी लेयर है उनमें यह जो क्रस्ट होती है ये सबसे पतली थिनेस्ट ओके यह सबसे पतली परत होती है इट इज़ अबाउट थर्टी फाइव किलोमीटर ऑन द कॉन्टीनेंटल मासिसज एंड ओनली फाइव किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर फ्लोर्स ओके तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग बात है कि देखो जो ये परत है यह महाद्वीपीय सन्हति में ठीक है कॉन्टिनेंटल मासिस महाद्वीपीय सनहति में पैंतीस किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल पांच किलोमीटर तक होती है तो इतनी इसकी क्या होती है थिनेस्ट होती है कि समुद्री आ, परत में तो जो समुद्री आ, सतह होती है हम कहेंगे उससे तो ये पाँच किलोमीटर तक होती है और जो महाद्वीपी सहति सा, में होता है कॉन्टिनेंटल जो होता है इसका वो फाइव किलोमीटर तक होता है महाद्वीपी सहत इसकी कितनी होती है थर्टी फाइव किलोमीटर और राइट द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलीका एंड एलुमिना और जो महाद्वीप महाद्वीपीय सहति मुख्य रूप से सिलिका और एलुमिना जैसे मिनरल से जैसे खनिजों से मिलकर बना होता है मीन्स कि इसमें सिलिका और एलुमिना बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए इट इज़ दस कॉल्ड सेल इसीलिए इसको क्या कहा जाता है सेल यानी सी फॉर सिलिका तथा एल फॉर एलुमिना इसीलिए इसे सी एल कहा जाता है सी मीन्स क्या हो गया सिलिका एंड एल मीन्स क्या हो गया एलुमिना इसीलिए इसे सी एल या सेल कहा जाता है ओके द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम इट इज दियर फॉर कॉल्ड सीमा it is therefore called a cema तो जो ओशियनी क्रस्ट होता है स्टूडेंट्स जो महासागर की जो परपट्टी होती है ओशियनी क्रस्ट, है, जो महासागर की परपट्टी होती वह मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है इसीलिए इसे क्या कहा जाता है सीमा कहा जाता है सीमा मीन्स सी फॉर सिलिका प्लस एम ए मा फॉर मैग्नीशियम इसीलिए इसे सीमा कहा जाता है फिगर टू पॉइंट टू यू कैन सी हे देखिए यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये है और इसका कितना होता है थर्टी फाइव किलोमीटर इसके अंदर होता है कॉन्टिनेंटल मैसेस और उसके बाद देखिए कॉन्टिनेंट यहाँ हो गया ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया देन ओशियन एंड ओशियनिक क्रस्ट यहाँ तक जाएगा यानी कि महासागरी जो परपट्टी होती है वो ये है ऑनलाइट सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड क्रस्ट यानी महाद्वीपीय परपट्टी एंड महासागरीय परपट्टी ऑनलाइन हेयर वी विल सी इंटीरियर ऑफ द अर्थ हम इस फिगर में देखेंगे कि क्या पृथ्वी का आंतरिक भाग है तो स्टूडेंट जैसे हमने पढ़ा कि जो अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस होती है वो क्या कहलाती है क्रस्ट कहलाती है ठीक है फिर जो क्रस्ट से जुड़ा हुआ जितना भी भूमंडल होता है स्थल मंडल होता है वो क्या कहलाता है लीथोस्फेयर फिर लीथोस्फेयर के बाद क्या आता है मेंटल मेंटल के बाद क्या आता है आंतरिक भाग में कोर मेंटल बाउंड्री ठीक है फिर उसके बाद क्या आता है आउटर कोर ऑल राइट और इसके बाहर क्या होता है इनर कोर ऑल राइट सो स्टूडेंट्स डू यू नो अब आप बताइए डू यू नो क्या आप जानते हैं अब क्या जानते हैं द डीपेस्ट माइंड इन द वर्ल्ड

अफ्रीका ओके एंड इट इज अबाउट फोर किलोमीटर ऑल राइट और इसकी गहराई कितनी है लगभग चार किलोमीटर है ऑल राइट right? और तेल की खोज में इंजीनियर छो किलोमीटर छः किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं और जितने भी इंजीनियर्स हैं जो भी इन्वेंट uh, करते हैं किसी चीज को तो उन्होंने वो सभी इंजीनियर्स ने इसकी गहराई को लगभग छः किलोमीटर तक खोदा ताकि उनको तेल मिल सके ऑयल मिल सके ओके मिनरल ऑयल मिल सके टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट अ पॉसिबल पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो कि क्या है असंभव है आपको समुद्र की सतह पर सिक्स थाउजेंड किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा एंड इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क ओके तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए जो बिल्कुल क्या है इम्पॉसिबल है आपको समुद्र की सतह सिक्स थाउजेंड किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा तब जाके आप पृथ्वी के सेंटर में पहुंचेंगे केंद्र में पहुंचेंगे विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड नॉट पॉसिबल ऑल राइट सो पे स्टूडेंट्स द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विथ रेडियस ऑफ अबाउट थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर और राइट सो जो दो जो हमारी कोर की जो सेकेंद्री की जो हमारी क्या होती है इनर मोस्ट लेयर होती है ओके इनर मोस्ट लेयर होती मीन्स की जो परपट्टी के ठीक नीचे ठीक है स्टूडेंट्स वी हैव रेड नो ओके वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर

क्रस्ट पर पट्टी के ठीक नीचे जो मेंटल होता है ठीक है हम यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं देखिए क्रस्ट के नीचे जो मेंटल होता है यह कहाँ तक फैला होता है परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है और यही इसकी सबसे क्या है आंतरिक परत होती है सबसे आंतरिक परत क्रो, क्रोड है ठीक है क्या है इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है ऑल बिलो द क्रस्ट एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द लेयर इज द कोर विथ द रेडियस ऑफ अबाउट थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर और जो इसकी इनर मोस्ट लेयर होती है इनर मोस्ट लेयर सबसे आंतरिक परत जो इसकी होती है वो क्या है कोर है जिसकी त्रिजिया रेडियस जिसकी त्रिजिया लगभग कितनी होती है थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर होती है इट इज मेनली अप ऑफ निकिल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ एन आई निकिल एंड ई फेरस ओके तो हम इसे पढ़ सकते हैं कि यह मुख्य रूप से मेनली अप ऑफ किससे मिलकर बना होता है निकल और लोहे की बनी होती है ठीक है निकल मीन्स निकिल एंड आयरन जिसको कि एफ ई -E से डिनोट करते हैं फेरस तो ये किससे मिलकर बना होता है इसके यह निकिल एम लोहे का मिलकर बना होता है तथा इसे क्या कहा जाता है नेफे कहा जाता है निफे क्यों कहा गया है निकिल से एनआई ले लिया और आयरन को हम फेरस बोलते हैं एफ तो एफ से उसको रिप्रेजेंट कर दिया तो इसे क्या कहा जाता है निफे यानी निकिल प्लस फेरस यानी आयरन कहा जाता है द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और जो पृथ्वी का जो केंद्रीय कोर है ठीक है जो पृथ्वी का सेंटर क्या है कोर है यानी जो पृथ्वी का केंद्रीय प्रेशर दाब और उसका तापमान बहुत अधिक ऊंचा होता है राइट नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट रॉक्स एंड मिनरल्स रॉक्स मीन्स चट्टान या सेल हम कह सकते हैं एंड मिनरल मीन्स खनिज ओके सेल और खनिज चट्टान और खनिज किसकी बनी होती है कहाँ मिलती हैं ठीक है तो इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे द अर्थ क्राफ्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स ओके एंड एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रॉस्ट इज कॉल्ड अ रॉक एंड रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर साइज एंड टेक्स्चर ओके तो जो पृथ्वी की परपट्टी होती है जो अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो भी अनेक प्रकार की सेल से यानी रॉक से मीन्स की चट्टानों से मिलकर बनती है अब डू यू वेरी सरप्राइज ना कि जो पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है वो किससे मिलकर बनी होती है अनेकों प्रकार के विभिन्न प्रकारों के सेल से मिलकर बनी होती है एंड एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक ओके तो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर तो विभिन्न प्रकार की जो पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के जो प्राकृतिक पिंड होते हैं नेचुरल जो मास होता है नेचुरल मींस प्राकृतिक मास मींस पिंड भार ओके किसके मिनरल मैटर के और राइट तो खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को जो क्या करते हैं मेक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट ठीक है जो किसको बनाते हैं पृथ्वी की क्रस्ट को यानी पृथ्वी की परपट्टी को बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है रॉक कहा जाता है यानी सेल कहा जाता है रॉक्स कैन ऑफ डिफरेंट कलर साइज एंड टेक्चर और जो रॉक्स होती चट्टाने होती हैं, वे विभिन्न रंगों की आकार की एंड टैक्सर और विभिन्न हो सकती हैं, ठीक है यू कैन से और गठन की होती कि किस किस चीज को मिलकर कैसे अलग अलग साइज की वो बनती है ओके तो स्टूडेंट अगेन आई एम रिपीटिंग नाउ माई स्टेटमेंट की रॉक किसे कहते हैं सेल किसे कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है किसे कहते हैं स्टूडेंट्स सेल एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक ओके एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर खनिज पदार्थ का कोई प्राकृतिक पिंड जो पृथ्वी की पर पट्टी को पृथ्वी की क्रस्ट को बनाता है उसे सेल रॉक या चट्टान कहा जाता है ओके एंड रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर साइज एंड टेक्सचर चट्टाने विभिन्न रंग आकार और गठन की होती हैं अब स्टूडेंट्स कितने प्रकार की रॉक्स होती हैं ये आपने कई बार पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में पर यहाँ पर हम आपको डिटेल पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स रॉक्स जो होती हैं सेल जो होते हैं वे मेजर थ्री टाइप्स के होते हैं इग्निशियस रॉक होता है सेडिमेंट्री होता है और मेटामॉर्फिक होता है ठीक है तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या इग्निशियस है क्या फर्स्ट क्या? So, okay? से okay? क्या होती है इग्नीसियस जिसको हम हिंदी में कहते हैं आग्नेय सेल ओके इग्नीसियस रॉक इग्निडीमेंट्री रॉक सेकेंड वन सेडिमेंट्री मीन्स होता है अवसादी ठीक है अवसादी है या अवसाधी सैल एंड थर्ड वन मेटामॉर्फिक रॉक मेटामॉर्फिक होता है कायांतरी जो बदल कर बनती हैं ठीक है कायांतरित सैल अगेन आई एम टेलिंग इग्निशियस आग्नेय सेडिमेंट्री अवसादी मेटामॉर्फिक कायांतरित सो इग्निशियस रॉक आग्नेय सेल सेडिमेंट्री रॉक अवसादी सेल एंड मेटामॉर्फिक रॉक दैट इज अ कायांतरित सेल ओके okay, तो स्टूडेंट्स याद रखिए इसको रॉक सेल तीन प्रकार के होते हैं इग्निशियस रॉक होता है सेडिमेंट्री रॉक होता है और मेटामॉर्फिक रॉक होता है ठीक है अब क्या होता है इग्निशियस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक अभी हम पढ़ेंगे व्हेन द मॉल्टन मार्गमा कूल्स इट बिकम सॉलिड रॉक्स दस फॉर्म आर कॉल्ड इग्निशियस रॉक्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स देअर आर टू टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक ओके अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ इग्निशिय रॉक इंट्रोसिव एंड एक्सट्रोसिव रॉक्स ओके तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या होता है इग्निशियस रॉक्स तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए आग्ने सेल कैसे होती हैं कैसे बनती हैं तो वेन द मोल्टन मैग्मा cools जब क्या होता है melten मीन्स द्रवित melten मीन्स द्रवित जब मोल्टन मैग्मा जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर क्या बन जाता है इट बिकम सॉलिड जब melt जब आ, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर सॉलिड बन जाता है यानी ठोस बन जाता है रॉक्स दस फॉर्म are called तो जब वे चट्टाने बनती हैं इसको ठंडा होने के बाद उसे आग्नेय चट्टाने आग्नेय सेल कहा जाता है ओके अगेन आई एम टेलिंग यू क्या होता है इग्निशियस रॉक से यानी कि आग्नेय सेल क्या होती है जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं एंड स्टूडेंट्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स यानी प्राथमिक सेल भी आग्नेय सेल को कहा जाता है ये याद रखिएगा कि इग्निशियस रॉक्स और प्राइमरी रॉक्स एक ही होते हैं। इग्निशियस रॉक्स यानी आग्नेय सेल को प्राइमरी रॉक्स प्राथमिक सेल भी कहा जाता है और ये कैसे बनती हैं जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो वो आग्नेय सेल का निर्माण करता है इसको प्राथमिक सेल भी कहा जाता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्निसियस रॉक्स ठीक है अब अगेन फिर से आग्नेय चट्टान दो प्रकार में डिवाइड होती हैं दो प्रकार की होती हैं फर्स्ट वन इंट्रोसिव रॉक्स एंड सेकेंड वन एक्सट्रोसिव रॉक्स ओके सो इंट्रोसिव रॉक्स क्या होता है अंतर्भेदी सेल ठीक है इंट्रोसिव जैसे इनसाइड है ना इनसाइड से आप याद रखिए अंदर की ओर यानी अंतर्भेदी चट्टान अंतर्भे सेल और एक्सट्रोसिव यानी एक्सटर्नल तो इट मीन्स बहिर्भेदी रॉक्स ओके इंट्रोसिव रॉक्स अंतर्भे सेल एंड एक्सट्रोसिव रॉक्स बहिर्भेदी सेल ओके सो कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉलोस तो क्या आप सोच सकते हैं कि ज्वालामुखी वॉलैनोस ज्वालामुखी से जो निकलना वाला लावा होता होता है वो कैसा होगा आप सोच सकते हैं कैसा होता होगा ज्वालामुखी से जो निकलने वाला लावा होता है एक्चुअली हम आपको बताएंगे लावा इज एक्चुअली फेयरी रेड molten मैगमा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस ओके

क्योंकि आपने आई डोंट थिंक सो कि आपने इसको रियल में वॉलकैनोज देखे होंगे बट पिक्चर्स में मूवीज में आपने मे भी आप देख सकते हैं तो थोड़ा बहुत इमेजिनेशन तो आप कर ही सकते हैं कि कैसा ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा होता है तो स्टूडेंट्स आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे की कल्पना करिए हम आपको बताते हैं कैसा होता है वास्तव में जो लावा होता है वो आग की तरह रेड ओके okay, रेड होता है लिक्विड मैग्मा मीन्स की लाल द्रवित मैग्मा होता है लावा क्या होता है जो लाल रंग का द्रवित मैग्मा होता है जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है ठीक है वही क्या है लावा है और जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है क्योंकि आंतरिक भाग में तो बहुत अधिक टेम्परेचर और प्रेशर है तो जैसे ही यह सरफेस पर आ जाता है तो वहाँ पर कम टेम्परेचर होने की वजह से यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है ठीक है और परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को ही क्या कहा जाता है एक्सट्रोसिव इग्निशियस रॉक्स कहा जाता है बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहा जाता है आई बात समझ में ओके दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेंड स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल बासल्ट ओके तो स्टूडेंट्स जो ये आता है जो ये सेल बन जाता है बहिर्भेदी आग्नि सेल इसकी जो संरचना होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है ग्रेंड जैसे अनाज के अन्न के दाने होते हैं ना उस प्रकार से इसका बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा इसकी संरचना होती है यानी कि इसकी संरचना बहुत ही महीन दानों वाली होती है जैसे उदाहरण के लिए बेसल्ट है जो ठीक? उदाहरण के लिए बेसाल्ट यह कहां पर है दक्कन पठार में ठीक है द डक्न प्लेटियो इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स तो दक्कन पठार बेसाल्ट सेलो से ही बना हुआ है ओके सम्स द मोल्टन मार्गमा कूल्स डाउन डीप इन साइड द आर्ट्स क्रस्ट ओके और कभी कभी क्या होता है कि जो द्रवित मैग्मा होता है ठीक है ये भू परपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है अंदर ही ठंडा हो जाता है इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं आई बात समझ जो बाहर आ गया पृथ्वी की सरफेस पर आ गया और ठंडा हो गया उससे वो चट्टाने क्या हो जाती वहाँ पर जो चट्टान बन जाती है एक्सट्रोसिव एग्निशियस रॉक्स होती है और कभी-कभी क्या होता है जो ये द्रवित मैग्मा होता है ये पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होने लग जाता है और वहीं पर क्या होता है ये ठोस बन जाता है जिसे क्या कहा जाता है अंतर्वेदी अंदर है ना अंतर की ओर इंट्रूसिव है तो अंतर्वेदी आग्नेय सेन कहते हैं सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स और धीरे-धीरे जब ये ठंडे होते हैं तो ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं जहां एक्सक्लूसिव में तो छोटे छोटे अनाज के दानों का रूप ले रहे थे लेकिन इंक्रोसिव में ये बड़े बड़े दानों का रूप ले लेते हैं ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ वर्क ठीक है थीके? हम ग्रेनाइट में ऐसे ही सेल का एक उदाहरण लेते हैं ग्रेनाइट इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है ओके ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट अब ग्रेनाइट किससे मिलकर बनता है ठीक है एक तो लेई पेस्ट जो हो गया लेई पेस्ट से और मसालों के पाउडर से और दानों का चूर्ण बनाकर ठीक है ग्राइंडिंग स्टोन्स और दानों का चूर्ण बनाकर जिन अपघर्षण ग्रेनाइट जिन अपघर्षण पत्थरों का यूज़ किया जाता है ग्राइंडिंग स्टोन्स का जो यूज़ किया जाता है उसे क्या कहते हैं वे किसके बने होते हैं वो ग्रेनाइट के बने होते हैं मीन्स कि मसालों का पेस्ट लेई का तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन ग्राइंडिंग जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं ऑल राइट right? रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हिट इच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इन टू स्मॉल फ्रेगमेंट्स फ्रेगमेंट्स मीन्स खंड टुकड़े दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सैडिमेंट्स अब हम पढ़ेंगे कि सैडिमेंट्री रॉक्स के बारे में तो सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ने के से पहले हम पढ़ेंगे कि सैडिमेंट्स क्या होता है तो स्टूडेंट्स अगर आपको एक हल्का हल्का उदाहरण बताएं तो सैडिमेंट्स क्या होता है जो अवसाद होते हैं अवसाद मीन्स जो छोटे कंकड़ मिट्टी पत्थर छोटे छोटे से टुकड़े जो बहकर आते हैं नदियों से या जो बच जाते हैं किसी के तल पर उसी को क्या बोला जाता है सेडिमेंट्स से बोला जाता है कि मतलब जो चट्टान होती है वो लुढ़क कर चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो इन छोटे कणों को ही क्या कहा जाता है अवसाद कहा जाता है ठीक है और ये अवसाद जो होता है ये हवा जल आदि के द्वारा शिफ्टिंग करते रहते हैं मीन्स कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं या फिर वहीं पर रुक जाते हैं जमा हो जाते हैं तो यही धीरे 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 करके एक कठोर सेल की परत बनाते हैं ठीक है तो जो वो सेल बन जाती है जमा होकर तो उसी को सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है ठीक है चलिए हम पढ़ते हैं रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इन टू स्मॉल फ्रैगमेंट्स ओके दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स राइट रॉक्स रोल डाउन जो चट्टाने होती हैं वो लुढ़क कर क्रैक क्रैक मीन्स टूट कर चटक कर एंड हिट ईच अदर और एक दूसरे से हिट कर कर टकरा कर एंड आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है खंडों में टूट जाती है बढ़ जाती है तो जो ये स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं आर कॉल्ड सेडिमेंट्स तो इन छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है अवसाद कहा जाता है सेडिमेंट्स कहा जाता है दी सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाई वेंट वाटर एक्सेट्रा अब जो इस सेडिमेंट्स होते हैं जो अवसाद होते हैं ये धीरे धीरे क्या होता है जब तेज हवा चलती है या नदी का पानी आता है वर्षा होती है तो इस पानी के साथ हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होते हैं जाते हैं और वहीं पर डिपॉजिट हो जाते हैं जमा हो जाते हैं दीज लू सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेन टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स ठीक है तो अब जो ये अध्रृढ़ अवसाद हैं ठीक है थीके? जो ये लूज अवसाद मीन्स जो कहीं पर भी सिफ्ट होते हैं धीरे धीरे यहाँ ये क्या होता है दबते हैं कंप्रेस होते हैं और वहीं पर कठोर होकर सेल की लेयर बना लेते हैं चट्टान की परत बनाते रहते हैं दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेंडिमेंट्री रॉक इस प्रकार से बनी सेल क्या कहलाती है अवसादी सेल कहलाती है ठीक है सेडिमेंट्री सेल कहलाती है अब अगर इसका उदाहरण दे तो स्टूडेंट जैसे बलुआ पत्थर है वो किससे बनता है रेत के दानों से बनता है तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे लिखा भी फॉर एग्जाम्पल सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड तो जो सैंड स्टोन होता है जो बलुआ पत्थर होता है वो मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड किससे मिलकर बना होता है वो रेत के पत्थरों से रेत के छोटे छोटे कणों से छोटे छोटे दानों से मिलकर बनता है दीज रॉक्स मे ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन दैम दीज रॉक्स ये जो चट्टाने होती हैं मे ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स ठीक है तो इन सेलों में इन चट्टानों में पौधे जानवर और अन्य छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वे इन सेलों पर रहे हैं उनके जीवाश्म भी यहाँ पर हो सकते हैं ठीक है किसमें कौन सी सेल में सेडिमेंट्री uh, सेल में पौधे जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे होंगे ठीक है रहे थे और वहीं पर वे मर जाते हैं तो उनके जीवाश्म भी यहाँ पर पाए जाते हैं ओके Okay. Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. Figure 2.3 here you can see figure 2. .3. थ्री तो स्टूडेंट्स क्या है जो इग्नीसियस जो आग्नेय चट्टाने होती हैं आग्नेय सेल होते हैं और जो सेडिमेंट्री सेल होते हैं अवसादी सेल होते हैं कैन चेंज इन टू रॉक्स ठीक है rocks, वे बदल जाते हैं किसमें मेटामॉर्फिक रॉक में हो सकते हैं यानी का कायंतरी चट्टानों में ये बदल जाते हैं किसके अंडर अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर यानी कि बहुत अधिक हीट और प्रेशर से दबाव के चलते ये चट्टाने मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती हैं फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इन स्लेट एंड लाइम स्टोन इन मार्बल उदाहरण के लिए जैसे आपने देखा होगा चिकनी मिट्टी किस में बदल जाती है स्लेट में बदल जाती है और जो चूना पत्थर होता है जो लाइम स्टोन होता है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है ठीक है तो अब हम यहाँ पर देखेंगे फिगर टू पॉइंट थ्री में कैसे कायर में परिवर्तन हो रहा है अवसादी सेल का ओके तो जो ये अवसादी सेल हैं ये परिवर्तित सेल में परिवर्तित अवसादी सेल ठीक है ये अवसादी सेल थे जो किस में चेंज हो गए यस सेल में चेंज हो गए ओके सो हेयर स्टूडेंट्स डू यू नो क्या आप जानते हैं द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली वन परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एंड एटी फोर परसेंट कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड फिफ्टीन परसेंट मेक्स द कोर जो क्रस्ट होती है ठीक है द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली वन परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ जो क्रस्ट होती है यानी जो परपट्टी है पृथ्वी के आयतन का वॉल्यूम का पृथ्वी के आयतन का हाँ, केवल एक प्रतिशत हिस्सा ही परपट्टी होता है देखिए इतनी बड़ी हमारी पृथ्वी है तो जितनी परपट्टी है वो केवल उसका एक प्रतिशत है ठीक है और बाकी एट्टी फोर परसेंट कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड फिफ्टीन परसेंट मेक्स द कोर और जो बाकी एट्टी फोर परसेंट मेंटल और फिफ्टीन प्रतिशत क्या है हिस्सा क्रोड है यानी कोर है द रेडियस ऑफ द अर्थ इज सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी वन किलोमीटर और जो पृथ्वी का रेडियस है यानी कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो सिक्स किलोमीटर होती है और राइट right. क्स्ट वर्ड ओरिजन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई जो हम अभी पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप के वर्ड्स उनकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं से होती है जैसे अगर अब यहाँ पर हम बात करेंगे हेयर वी विल टेल अबाउट इग्निशियस सैडिमेंट्री एंड मेटामोरफेट तो इग्निशियस की उत्पत्ति कहाँ से हुई तो स्टूडेंट्स आपको बताएंगे इग्निशियस वर्ड की उत्पत्ति लैटिन वर्ड इग्निस जिसका अर्थ होता है फायर आर्क ठीक है तो इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द इग्निशियस से हुई जिसका अर्थ होता है आर्क से होता है इसीलिए इसका नाम आग्नेय यानी इग्निशियस आग आग्नेय चट्टान जिसे हम कहते हैं ओके नाउ नेक्स्ट सेडिमेंट्री ओके अब सेडिमेंट्री वर्ड का ऑरिजन कहाँ से हुआ इट्स ऑरिजन फ्रॉम लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग सेटल डाउन ठीक है तो इसका ऑरिजन कहाँ से हुआ इसका इसकी उत्पत्ति भी लैटिन शब्द सेडिमेंटम जिसका अर्थ होता है सेटल डाउन यानी स्थिर होना इसीलिए इसको क्या बोला जाता है अवसादी जो कहीं पर एकत्रित हो जाता है इकट्ठे हो जाते हैं ठीक है इग्निशियस वर्ड इग्निस से हुआ सेडिमेंट्री हुआ सेडिमेंटम विच मीनिंग इज सेटल डाउन नाउ द टर्न ऑफ मेटामॉर्फिक ओके अब मेटामॉर्फिक की उत्पत्ति कहां पर हुई इस वर्ड का ओरिजन कहा हुआ तो इस वर्ड का ओरिजन स्टूडेंट्स ग्रीक वर्ड मैटामोरफोज मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म ओके जैसे कि मेटामॉर्फिक को हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं कायांतरित यानी चेंजेस ठीक है किसका चेंजेस होता है इग्निसियस का और सेडिमेंट्स का चेंज होकर ही क्या बनती है मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं तो इसका मीन्स होता है मेटामॉरफोज यानी कि ग्रीक वर्ड से बना हुआ है ग्रीक शब्द मेटामोरफोज जिसका अर्थ होता है परिवर्तन चेंज ऑफ फॉर्म यानी रूप परिवर्तन फॉर्म चेंज ऑफ फॉर्म यानी रूप में परिवर्तन तो इसको क्या बोला जाता है इसीलिए इसको कायांतरित चट्टान कहा जाता है Okay.

सेल की परतों में चट्टानों की परतों में दबे मृत पौधे मरे हुए पौधे और जंतुओं के जो बचे हुए अवशेष होते हैं उसे जीवाश्म कहा जाता है ओके जब कोई प्लांट और एनिमल मर जाता है नष्ट हो जाता है खत्म हो जाता है तो उसका जो भी भाग बचा होता है बोन्स या फिर कुछ और पार्ट्स उसके अगर बचे होते हैं वही उसके क्या कहलाते हैं जीवाश्म कहलाता है ठीक है तो हम इसे कह सकते हैं सैलों की परतों में दबे मरे हुए पौधे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है ऑल राइट right? ओके नाउ हियर सम पोर्शन ऑफ रॉक्स रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस चट्टाने या सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं तो हम सभी जानते हैं द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स हाउसेज एंड बिल्डिंग्स जो हार्ड रॉक्स होती हैं यानी जो कठोर सेल होती है उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है सड़कें बनाने के लिए घरों को बनाने के लिए और इमारत बनाने के लिए किया जाता है यू यूज स्टोन्स इन मेनी गेम्स आप स्टोन का इस्तेमाल ओके okay, पत्थरों का इस्तेमाल बहुत से खेलों के लिए कर सकते हैं ठीक है जो पत्थर निकलते हैं सेल से उन, उनका इस्तेमाल बहुत सारी गेम्स के लिए भी होता है जैसे सेवन स्टोन पिटू हॉप स्कॉच स्टैपू किटकेट किट किट फाइव स्टोन गिट्टी फाइंड आउट सम मोर सच समेम्स बाई आस्कर ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स नेबर्स एक्सेट्रा जैसे कि आपको मालूम है जो हार्ड क्स होती है उसका इस्तेमाल तो रोड बनाने में हाउसेस बनाने में बिल्डिंग्स बनाने में किया जाता है ब्रिज बनाने में किया जाता है बट जो सॉफ्ट स्टोन्स रॉक्स होते हैं स्टोन्स होते हैं उनका इस्तेमाल हम अगर हम अपनी बात करें बच्चे अगर आप अपनी बात करेंगे तो उसका आप किस में इस्तेमाल करते हो डिफ़रेंट टाइप्स ऑफ गेम्स में आप सभी लोग पिड्डू जरूर खेलते हैं खेलते हैं ना इन स्कूल्स यू ऑल्सो प्लेट पिड्डू तो उसमें भी आप सेवन स्टोन्स यूज करते हैं, हैं ना सात पत्थर छोटे छोटे इस्तेमाल करते हैं उसको एक के ऊपर रखते हैं फिर बॉल से उसको गिराते हैं एंड देन फिर उसे बनाने की अपोजिट टीम कोशिश करती है ओके okay? mm. और दूसरा होता है स्टूडेंट हॉप स्कॉच यानी कि हॉप स्कॉच यानी इसे आप बोल सकते हैं चिबड्डी या स्टापू या किटकिट -किट भी इसे कहते हैं फाइव स्टोन्स गिट्टी है ना गर्ल्स खेलती हैं ज्यादातर गिट्टी कैसे इसे गिट्टी या गुट्टी आप बोलते हो इसी तरह फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स इसी प्रकार से आप कुछ और ऐसे गेम्स आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से दादा दादी जो अपने टाइम पर खेलते होंगे पेरेंट्स जो अपने टाइम पर खेलते होंगे और जो नेबर्स अपने टाइम पर खेलते थे ठीक है वो भी जब बच्चे थे तो वो भी हो सकता है इससे और हट के गेम्स कुछ खेलते हो जिसमें स्टोन्स का यूज करते हो ठीक है और ज़रूरी नहीं कि स्टोन्स का ही यूज़ करते हो तो आप उनसे और भी गेम्स के बारे में पूछ सकते हैं कि जब वे छोटे थे जब वे आपकी एज में थे तो वो कौन से गेम्स खेलते थे ऑल राइट स्टूडेंट्स ओके नाउ हेयर अनदर एक्टिविटी लेट्स डू ओके चलिए करके देखते हैं लेट्स डू करके हम देखते हैं जिससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा हम कुछ करके सीखेंगे ऑल राइट स्टूडेंट्स ओके नाउ कलेक्ट अ पिक्चर ऑफ सम मॉन्यूमेंट्स एंड फाइंड आउट विच आर द रॉक्स यूज टू बिल्ड देम टू पिक्चर्स हैव बीन कलेक्टेड फॉर यू अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे मॉन्यूमेंट यानी स्मारक अनेक स्मारकों के चित्र आप इकट्ठे करिए ठीक है कुछ भी स्मारक ताजमहल लाल किला कुतुब मीनार इस टाइप के अदर और भी जो भी हैं हवा महल जयपुर का बिरला मंदिर तो इस प्रकार के जो स्मारक हैं उसके आप पिक्चर्स कलेक्ट करिए एंड फाइंड आउट और पता लगाइए विच आर द रॉक्स यूज टू तो बिल्ड दैम कि किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर ये बने हुए हैं किन किन सालों से ये बने हैं ठीक है एंड हेयर आर टू पिक्चर्स हैव बीन कलेक्टेड फॉर यू यहाँ पर दो पिक्चर्स आपके लिए कलेक्ट किए गए हैं फर्स्ट इन इज रेड फोर्ट एंड सेकेंड वन इज ताजमहल ओके तो रेड फोर्ट यानी लाल किला इज मेड अप ऑफ रेड स्टोन जैसे इस टाइप से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि लाल किला लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बना है एंड ताजमहल इज ऑफकोर्स इज मेड इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल ये सफेद संगमरमर से मिलकर है तो ऐसे ही आप कुछ और मोन्यूमेंट्स भी कलेक्ट करिए और पता लगाने की कोशिश करिए उसके बारे में पढ़िए सर्च करिए कि ये किन किस प्रकार की सेल से मिलकर बना हुआ है ओके

कि वन टाइप ऑफ रॉक कि एक प्रकार की जो चट्टान होती है वो निश्चित दशाओं में अलग अलग तरीकों से टूटकर एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है ओके आपको ये जानकर डेफिनेटली सरप्राइज होंगे स्टूडेंट्स कि किन्हीं निश्चित दशाओं में ओके एक किसी सर्टेन कंडीशंस यानी निश्चित दशाओं में जो आ, सेल होती हैं एक प्रकार की जो सेल होती है वो साइक्लिक वे पे चक्रीय तरीके से एक दूसरे पर चेंज हो जाती है दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल अब जो ये प्रोसेस होती है ठीक है कौन सी प्रोसेस होती है एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की जो प्रोसेस होती है इसे रॉक साइकिल कहा जाता है यानी सेल चक्र कहा जाता है ओके यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स सॉलिडिफाई टू बिकम इग्नि रॉक जैसे कि अभी हमने चैप्टर में पढ़ा सेम चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होता है तो यह आग्नेय चट्टान में बदल जाता है जब ये ठोस होता है तो आग्नेय चट्टान में बदल जाता है यानी कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में बना ठीक है एंड दीज इग्नि रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड फॉर्म सेटिमेंट्री रॉक्स ठीक है फिर हमने ये पढ़ा था कि इस प्रकार जो ये चट्टाने होती हैं ये डिफरेंट रीजन से स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रोकन डाउन हो जाती टूट जाती हैं और फिर एक जगह पर जमा हो जाती है या ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह पर जमा हो जाती है और सेडिमेंट्री रॉक्स को बनाती हैं ठीक है मीन्स कि जो आग्नेय सेल होती हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर किसका निर्माण करती है सेडिमेंट्री सेल का अवसादी सेल का निर्माण करती है एंड उसके बाद क्या होता है देखो वेन द इग्निसियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इन टू मेटामॉर्फिक रॉक्स और उसके बाद जो इग्निसियस चट्टान है और जो सेडिमेंट्री चट्टान है वो हीट और प्रेशर के कारण गर्म तापमान और और दाब के कारण ये फिर से मेटामॉर्फिक रॉप में चेंज हो जाती यानी अवसादी सेल और आग्नेय सेल वायु और दाब के कारण कायांतरित सेल में बदल जाते हैं ठीक है द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मॉल्टन मैग्मा और फिर से जो अत्यधिक ताप और धाप के कारण जो मेटामोर्फिक रॉक्स थी कायंतरित सेल थी पुनः क्या हो जाती है द्रवित होकर पुनः पिघल कर फिर से क्या बन जाती है मोल्टन मैग्मा बन जाती है द्रवित मैग्मा बन जाती है और फिर दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन टू कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इन टू इग्निशियस तो रॉक और फिर यह द्रवित मैग्मा फिर से ठंडा होकर आग्नेय सेल में परिवर्तन हो जाता है तो मीन देखो स्टूडेंट्स जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से वह फिर पहुंच गया यानी कि वो जो रॉक साइकिल होती है दैट इज कॉल्ड अ रॉक साइकिल हमने अभी पूरा पढ़ा था रॉक्स के बारे में पढ़ा था इग्निसियस सेटिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे इग्निसियस रॉक बनती है मोल्टन मैग्मा जब कूल cool होता है और फिर सॉलिड बनता है तो इग्निशियस रॉक बनती है है। फिर इग्नि रॉक्स क्या होती हैं धीरे धीरे टूटकर किसी आ, प्रेशर के कारण रेन के के कारण कारण या हवा छोटे-छोटे में कन्वर्ट होती है और पार्टिकल्स फिर से एक जगह पर किसका बनाते हैं कौन सी रॉक्स बना देते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं और फिर हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण सेडिमेंट्री रॉक्स फिर किस में चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है और फिर मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर में डाउन होकर फिर मोल्टन मैग्मा फिर से बना देती मीन्स कि ये सब पूरा साइकिल हो रहा है ठीक है जैसे हमने अभी बताया था ना आपको कि कैसे आग्नेय सेल बनती है और फिर आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर स्थानांतरित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या बनाती है सेडिमेंट्री रॉक्स बनाती है और फिर सेडिमेंट्री रॉक्स हीट और प्रेशर के कारण चेंज होकर क्या करती है चेंज ऑफ फॉर्म होती है और फिर क्या बना देती है मेटामॉर्फिक सेल बना देती है और फिर हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण फिर से मेटामॉर्फिक मेल्ट होकर क्या हो जाती है मैग्मा बन जाती है और फिर ये मैग्मा ठंडा होकर आगले सेल में परिवर्तित हो जाता तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं टू पॉइंट फोर रॉक साइकिल तो कैसे ये साइक्लिक हो रहा है ठीक है आप देख सकते हैं देखो सबसे पहले मैग्मा ठीक है तो मैग्मा कैसे बना मैग्मा ने किस में चेंज हुआ मैग्मा इग्निशियस रॉक्स में इग्निशियस रॉक कैसे चेंज हुई सेडिमेंट्स में सेडिमेंट्स कैसे चेंज हुए सेडिमेंट्री रॉक में और फिर सेडिमेंट्री रॉक किस में चेंज हुए मेटामॉर्फिक रॉक में और मेटामॉर्फिक रॉक फिर से किस चेंज में चेंज हो गया मैग्मा में मीन्स कि ये पूरी क्या चल रही है साइक्लिक प्रोसेस चल रही है तो इसीलिए क्या कहते हैं दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न वेन द मोल्टन मैगमाकूल इट्स ऑलरेडि इग्निशियस रॉक तो ऐसे ही ये सारी चीजें क्या होंगी साइकिल वे पर होंगे ओके नाव नेक्स्ट रॉक्स आर मेडअप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स अब जो ये रॉक्स होती है स्टूडेंट जो सेल होते हैं ये विभिन्न मिनरल से मिलकर बने रहते हैं विभिन्न खनिजों से मिलकर बनते हैं मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट कैमिकल कंपोजिशन ओके फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणधर्म एंड कैमिकल डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन निश्चित रासायनिक मिश्रण तो जितने भी खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वाले पदार्थ हैं उनका एक निश्चित भौतिक गुणधर्म ठीक है फिजिकल प्रॉपर्टी सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन यानी निश्चित रासायनिक कंपोजिशन मिश्रण होता है ओके एंड मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड और खनिज मानव जाति के लिए ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण है सम आर यूज एज फ्यूल्स इसमें से कुछ तो फ्यूल्स के रूप में यूज किए जाते हैं यानी ईंधन की तरह होता है फॉर एग्जाम्पल कोल नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम कोयला प्राकृतिक

फर्टिलाइजर में भी इसका इस्तेमाल होता है ओके नाव हेयर वट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टे स्टेट ओके तो अब आपको एक्टिविटी करनी है कि आप पता लगाइए आपके राज्य में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं किस प्रकार के खनिज आपके राज्य में पाए जाते हैं ओके कलेक्ट सम सैंपल्स टू शो इन यूर क्लास और अब आपको कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने हैं कुछ आपको दिखाने के लिए नमूने एकत्र करने जो कि आपको बताएंगे कि इस प्रकार के खनिज ये होते हैं ओके स्टूडेंट नाउ चैप्टर इज़ फिनिश्ड वी विल डू टेक द करेक्ट आंसर ओके बिकॉज क्वेश्चन आंसर यू विल टू लेटर इन योर नोटबुक ओके वेन यूर राइटिंग वर्क विल स्टार्ट राइट सो आई विल टेल यूर आंसर्स ऑफ टेक द करेक्ट आंसर

मेल्ट होके जब आ, हमारी अर्थ सरफेस पर आता है और कूल डाउन होकर सॉलिड बनता है तो कौन सी रॉक बनती है इग्नीसियस रॉक बनती है सो यू विल टेक इग्नीसियस रॉक द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मै मोल्टन मैग्मा इज अ इग्निशियस रॉक एंड सेकेंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज पृथ्वी की सबसे भीतरी जो परत है वो कौन सी होती है क्रोड होती है स्टूडेंट्स कोर ओके थर्ड वन गोल्ड पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ गोल्ड पेट्रोलियम और कोल क्या है अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था यस इट इज अ मिनरल्स ओके नाउ नेक्स्ट रॉक्स विच कंटेन्स फॉसिल्स आर अभी हमने पढ़ा था सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक इग्निशियस में कि कौन सी रॉक्स में कौन सी रॉक की परत में फॉसिल्स भी मिलते हैं येस ऑफकोर्स सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं उस आदि सेल में हमने कहा था ना कि उसमें जो जीव रहते थे जो प्राणी रहते थे उसके फॉसिल्स भी वहाँ पर हमें मिलते थे द थिनएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट मेंटल एंड कोर कौन सी सबसे थिनएस्ट लेयर है स्टूडेंट्स हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा था यस इट इज अ क्रस्ट ठीक है कौन सी है क्रस्ट ऑलराइट नाउ नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग कोर मैच टू Earth surface used for roads and buildings made of silicon and alumina has definite chemical composition. Innermost layer change into slate, process of transformation of the rock. Yes, core match to innermost layer. E. Okay. Core match to innermost layer all right now second minerals minerals is process of transformation changes into slate innermost layer has definite chemical composition made of silicon used for roads earth surface yes it's a डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था ना कि जितने भी मिनरल्स होते हैं नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस विस लियर विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन तो मिनरल्स क्या होता है डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नाउ रॉक्स अब देखो रॉक्स क्या है ठीक है सेल क्या होते हैं यस yes, रॉक्स क्या होते हैं यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स दैट इज अ रॉक्स नाउ फोर्थ वन क्ले क्ले क्या है स्टूडेंट्स इट्स अ मैच क्ले इज चेंज इन स्लेट हमने पढ़ा था ना क्ले इज क्ले चेंज इन स्लेट एंड लाइम स्टोन चेंज इन मार्बल पढ़ा था ना हमने ओके नाउ फिफ्थ वन सेल ओके सेल मैच टू यस इट्स अ मेड ऑफ सिलीकॉन एंड alumina okay made of silicon and alumina and now next student some uh, options here change into slate it's okay process of transformation of the rock it's a rock cycle you can write here rock cycle okay so write down here six one रॉक साइकिल आर ओ सी के रॉक सी वाई सी एल ई रॉक साइकिल एंड सेवंथ वन स्टूडेंट्स इट्स अर्थ सर्फेस अर्थ सर्फेस इज नॉट मैच इयर ऑफ दीज वर्ड्स सो यू कैन मैच द वर्ड यू हैव टू मेट द वर्ड फॉर मैचिंग आर्थ सर्फेस इट इज अ क्रस्ट क्या कहलाता है आर्थ सर्फेस क्रस्ट कहलाता है भू पर पट्टी कहलाता है राइट ओके स्टूडेंट्स नाउ दिस चैप्टर इज क्लोज and you revise and read this work students okay revise and read of second chapter very properly clearly all right and we will do question answer later when we will start writing work okay tomorrow i will be back with new chapter and new work so till then students take care bye bye